नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे मेसोपोटामिया की सभ्यता के बारे में। मेसोपोटामिया यूनान भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है दो नदियों के बीच की दूरी। इस देश का आधुनिक नाम इराक है। इस प्रदेश को दजला और फरात नदियां सींचती हैं। मेसोपोटामिया को इसी अर्धचंद्रशी आकृति तथा खेती की दृष्टि से अत्यधिक उर्वरक होने के कारण उपजाऊ अर्धचंद्र भी कहा गया है। प्राचीन काल में इस प्रदेश का दक्षिणी भाग सुमेर कहलाता था, जो मेसोपोटामिया की सभ्यता का मुख्य केंद्र था। सुमेर के उत्तर पूर्व की तरफ के भाग बेबीलोन तथा अकवत कहते थे और उत्तर की ऊंची भूमि असीरिया कहलाती थी। कालांतर में उत्तर के पर्वतीय प्रदेशों से आए सुमेरियन लोग मेसोपोटामिया में बस गए और उन्होंने एक अत्यधिक समृद्ध सभ्यता का विकास किया। सुमेरियन लोगों ने नगर राज्य की सरकार स्थापित की। उर, लगाश, एरेक तथा एरिडू प्रसिद्ध नगर राज्य थे। लगभग 2500 ईस्वी पूर्व सागान प्रथम ने, जो अकद से आया था, सुमेरियन लोगों को जीत लिया। सुमेर और अकद दोनों राज्यों को मिलाकर उसने एक सुदृढ़ राज्य स्थापित किया, किंतु 2100 ईस्वी पूर्व के लगभग ये अकादियन लोग भी पराजित हो गए। बेबीलोन में एक नए सामी राजवंश का उदय हुआ। बेबीलोन नगर अब इस साम्राज्य की राजधानी बन गया। बेबीलोनिया के सबसे प्रसिद्ध सम्राट हमुराबी ने विभिन्न नगर राज्यों में होने वाली लड़ाइयों को रोककर तथा समस्त देश में एक जैसा कानून लागू कर एक दृढ़ राज्य स्थापित किया। बेबीलोनिया की सभ्यता भी सुमेरियन सभ्यता पर आधारित थी। इसके अंतर्गत मेसोपोटामिया में असीरियाई लोगों ने अपना साम्राज्य स्थापित किया। असीरियाई लोगों ने सीरिया, फिलिस्तीन, फिनिशिया आदि प्रदेशों को जीतकर विशाल साम्राज्य स्थापित किए। इसके बाद काल्डियाई लोगों ने असीरियाई लोगों को पराजित कर एक दूसरे शक्तिशाली बेबीलोनियन साम्राज्य का निर्माण किया, किंतु 539 ईसा पूर्व उन्हें पारसियों के हाथों पराजित होना पड़ा। सुमेरिया, बेबीलोनिया, असीरिया तथा कोल्डिया की सभ्यताओं को समग्र रूप से मेसोपोटामिया की सभ्यता के नाम से जाना जाता है। बेबीलोन के सम्राट हमुराबी ने अपनी प्रजा के लिए एक विधि संहिता बनाई थी, जो इस समय उपलब्ध सबसे प्राचीन विधि संहिता है। सम्राट ने इसे एक 8 फुट ऊंची पत्थर की शिला पर उत्कीर्ण कराया था। हमुराबी का दंड विषयक सिद्धांत था कि जैसे को तैसा और खून का बदला खून। मेसोपोटामिया सभ्यता में राजा पृथ्वी पर देवताओं का प्रतिनिधि माना जाता था। राजा व राज परिवार के बाद दूसरा स्थान पुरोहित वर्ग का था, जो संभवतः राजतंत्र की प्रतिष्ठा के पूर्व शासक रहे थे। मध्यम वर्ग में जमींदार, व्यापारी एवं दुकानदार थे। समाज में दासों की स्थिति सबसे नीचे थी। लगातार युद्ध होते रहने के कारण समाज में सेना का महत्वपूर्ण स्थान था। इस सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि था। वहाँ के किसान भूमि की जुताई हलों से करते थे और बीज एक कीप द्वारा बोते थे। खेत की सिंचाई के लिए वे नदियों के बाढ़ के पानी को नहर द्वारा ले जाकर बड़े बड़े बांधों में इकट्ठा कर लेते थे। मेसोपोटामिया की सभ्यता मूलतः एक व्यावसायिक सभ्यता थी। वहाँ देवता का मंदिर एक धार्मिक स्थल ही नहीं बल्कि एक व्यावसायिक केंद्र भी था। यहीं सर्वप्रथम बैंक प्रणाली का विकास हुआ। मेसोपोटामिया का भारत की सिंधु सभ्यता से व्यापारिक संबंध था। मेसोपोटामिया के लोग अनेक देवताओं में विश्वास करते थे। प्रत्येक नगर का अपना एक संरक्षक देवता होता था, उसे जिगुरात कहते थे, जिसका अर्थ है स्वर्ग की पहाड़ी। उर नगर मेसोपोटामिया के सबसे बड़े नगरों में से था। उर नगर में जिगुरात का निर्माण एक कृत्रिम पहाड़ी पर ईंटों से हुआ था। उर के जिगुरात में 3 मंजिल थी और उसकी ऊंचाई 20 मीटर से अधिक थी। विज्ञान के क्षेत्र में मेसोपोटामिया के लोगों की उपलब्धियां महत्वपूर्ण थी। खगोल विज्ञान के क्षेत्र में उन्होंने काफी उन्नति कर ली थी। उन्होंने सूर्योदय, सूर्यास्त तथा चंद्रोदय, चंद्रोस्त का ठीक समय मालूम कर लिया था। उन्होंने दिन और रात्रि के समय का हिसाब लगाकर पूरे दिन को 24 घंटों में बांटा था। 60 सेकंड का मिनट और 60 मिनट के एक घंटे का विभाजन सबसे पहले उन्होंने ही किया। मेसोपोटामिया के कलाकारों ने मेहराब का भी आविष्कार किया। मेहराब स्थापत्य कला की एक महत्वपूर्ण खोज थी, क्योंकि यह बहुत अधिक वजन संभाल सकती थी और देखने में आकर्षक लगती थी। मेसोपोटामिया की पहली लिपि का विकास सुमेर में हुआ। सुमेरियन व्यापारियों ने अपना हिसाब किताब रखने के लिए कीली जैसे चिन्ह लेखन कला का विकास किया, जिसे कीलाक्षर कहते हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ।